मैं आपको उस लड़के की चैटिंग भी दिखाऊंगा, एक दो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, फिर चैट। सो ही व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। सो मैं आपको आज बताने वाला था कुछ अलग। जी हाँ, कुछ अलग। आप तो सोशल मीडिया ही यूज तो करते ही होंगे। वो क्या, मेरे साथ दो तीन दिन से ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना नाम ही चेंज कर लूँ या फिर सोशल मीडिया ही छोड़ दूँ। जी हाँ, मुझे क्या है, लड़के परेशान करते हैं क्योंकि मेरे नाम को सर्च कर लेते हैं टेलीग्राम पे। वो समझते हैं लड़की है, बात करेंगे, बात बन जाए ऐसा वैसा। कल मुझे एक लड़का मिला भाई, वो मान ही नहीं रहा है। मैं उसको कई बार बता चुका हूँ, कम से कम दो तीन बार मैंने बोला कि भाई मैं लड़का हूँ, लेकिन कह रहा नहीं आप लड़की ही हो, ऐसा है तो मुझे ये कर रही हो वो कर रही हो। मैंने कहा भाई मैं लड़का हूँ तब भी नहीं मानना वो। लेकिन फिर मैंने भी सोच लिया था कि हाँ तू चल, अब तेरी बात मैं करता हूँ। फिर मैंने खुद लड़की बन के बात की, अभी तक वो बात कर रहा है, रात को मैसेज किए भाई ये ऐसा। और उससे पहले मुझे एक स्नैपचैट पर मिला, वो तो लड़की का नाम लिखे था और लड़की का नाम लिखा था, मैसेज करता है हाई आप कौन। मैंने कहा मैं लड़का हूँ भाई, निकल लो यहाँ से पहली फुर्सत में। तो वो तो निकल गया। और फिर उससे पहले एक और मिला था मुझे टेलीग्राम पे, उसने भी मैसेज की ऐसा है कि मैं ट्वेल्थ में पढ़ता हूँ, जितनी ट्वेल्थ में पढ़ता हूँ आप क्या करती है। मैंने कहा मैं भी लड़का हूँ भाई, मान जाती, लेकिन क्या है वो तो समझ में नहीं आता, मुझे हंसी आती है बताने में। नहीं आप भी नहीं सोच सकते क्योंकि मेरा नाम है ना थोड़ा लड़कियों टाइप जैसा है। तो उसमें क्या है, लोग मैं प्रोफाइल लगाता नहीं हूँ तो प्रोफाइल लगी नहीं है, तो लड़कियों जैसा नाम की वजह से लोग चले आते हैं और छुट्टा बात करते हैं। मैं भी करता रहता हूँ लड़कियों की। मैं आपको उस लड़के की चैटिंग भी दिखाऊँगा, एक दो स्क्रीन शॉट दिखाऊँगा, खैर ज़्यादा नहीं, उससे क्या है पर अच्छा नहीं रहता है। मेरे पास तो बहुत स्क्रीन शॉट पड़े हुए हैं, तो आपको इस दिखाऊंगा, थोड़ा पढ़ लेना, आप भी थोड़े मजे ले लेना, क्योंकि ऐसे तो होता ही रहता है, सभी के साथ होता रहता है। इसलिए मुझे भी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर रौनक नोरोजी 25, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। बहुत ही मज़ा आता है, आप समझ नहीं सकते क्या होता है इतना मज़ा है भाई। आपने भी बहुत किया होगा भाई, या फिर आपके साथ हुआ होगा, आप भी फंस गए होंगे FB पर, Instagram पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो सकता है ये सब। सो देखते हैं, और जब तक बात होगी उससे मैं बात करूँगा। अभी तो खैर वो बात करता है अच्छी खासी, उसी सैलरी में पूछता रहता हूँ, फिर मैं बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या है हाल उसकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे, नोटिफिकेशन को सबसे पहले दबाएं। और जितनी भी मेरी फैमिली भी पुरानी हैं वो बने रहें, ऐसा ही सपोर्ट बना रहे आप लोगों का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।